खिलचीपुर थाना अंतर्गत आने वाले सेंदरी गांव में दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर एक वृद्ध की हत्या कर दी गई, तो वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज खिलचीपुर और राजगढ़ के अस्पताल में कराया जा रहा है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक मृतक मदनलाल और पुरसिंह के घर के बीच एक दीवार का निर्माण किया जा रहा था। इसको बनाने पर दोनों पक्ष आमने सामने थे। पहले यह मामला बातों में चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चलने लगे। करीब 15 मिनट तक चली लाठियों के बाद 60 वर्षीय मदनलाल की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय सुनीता, ममता, रामबाबू आदि घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल पहुंचाया गया है। अब पुलिस कार्यवाही की बात कह रही है। ग्राम सेंदरा में दो पक्षों का आपस में विवाद हो गया, दोनों ही पक्ष तवर समाज के हैं। तो स्पॉट पर पहुंचे, वहां देखा एक आदमी जो घायल अवस्था में था, उसके अलावा और दो तीन लोग थे। तो तीनों को तुरंत गाड़ियों से लेके अस्पताल के लिए रवाना किया। अस्पताल पे जब डॉक्टर द्वारा चेक किया गया तो मदनलाल पिता गोपीलाल की डेथ हो चुकी थी। इसमें गोपीलाल और अन्य पार्टी जो हैं पुरसिंह वगैरह, उनके साथ इनका आपस में विवाद हुआ था। अभी तक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि इनके लाइट को लेकर विवाद था। एक खंभे से जो लाइट एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जा रही थी, तो उस लाइट को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, इसके कारण ये आपस में मारपीट हुई और जिसके कारण मदनलाल पिता गोपीलाल की मृत्यु हो चुकी। अच्छा, हत्या का कारण क्या रहा सर? क्या धारदार हथियार से इसकी हमला? जैसे भी बता रहे हैं कि कुछ लोग लट से, पत्थर से और कुछ धारदार हथियारों से हमला किया।